तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है मोटो खबरी और आज भी मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी और एल्विश यादव के बारे में। सो गाइस, आप सबको पता ही होगा कि पिछले दिनों एल्विश यादव की साइड से एक वीडियो आया था ध्रुव राठी पे, जहां पे ऑफकोर्स एल्विश यादव ने ध्रुव राठी को एक्सपोज करा था। एंड अभी तक ध्रुव राठी की साइड से इसके रिगार्डिंग कोई भी रिप्लाई नहीं आया। बट कल ध्रुव राठी की साइड से एक वीडियो आउट हुआ जहां पे वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, वही अपरिचित मूवी वाली बीमारी के बारे में। उस वीडियो के बीच में उन्होंने काफी बार एल्विश यादव को भी ट्रोल करा। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। में एक डीपर साइकोलॉजिकल मीनिंग है, क्योंकि पहले तो हुए आप वो इंसान जो आप असलियत में हो, लेकिन दूसरे हुए आप वो इंसान जो आपको लगता है आप हो। फर्क समझ रहे हो? कोई इंसान यहाँ एक बेवकूफ है, लेकिन उसे लग सकता है कि वो तो एक होशियार और समझदार इंसान है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इंसान जो आप बनना चाहते हो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, और जैसी आपकी सोशल कंडीशनिंग हुई है उससे बहुत असर पड़ता है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए उनका आइडियल सेल्फ हो सकता है एल्विश यादव। अरे एल्विश भाई, क्या ये कोई बोल सकता है क्या? तो गाइस, क्या कहना आपका इसके बारे में, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड आल्सो टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव, तो आपको पता है उनका एक मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है तेरे शहर में रुका बाजे राव साहब का। वो जो सॉन्ग है वो सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट पे अवेलेबल है, उसकी कोई भी वीडियो नहीं है। सो आज एल्विश यादव की साइड से एक व्लॉग आउट हुआ जहां पे उन्होंने अनाउंस करा कि वो उस गाने का सेकंड पार्ट लाने वाले हैं विद वीडियो। शूटिंग फॉर यादव ब्रांड 2, जिसने वाला गाना सुना होगा और तेरे शहर में रुका बाजे राव साहब का, इसके अंदर ये गाना भाई बहुत चल पड़ा रील्स पे। इस टाइम मेकअप हो रखा है जो तुम्हें लग रहा है, थोड़ा चमक चमक सा रहा हूँ। तो भाई ये गाना रील्स पे बहुत चला, हर जगह बहुत चला, मेरी एंट्री पे भी यही चलता है। बस इसकी एक इसमें कमी रह गई थी, वो कमी थी इसकी वीडियो नहीं थी, तो वो हम कमी पूरी कर रहे हैं। इसकी वीडियो भी बना रहे हैं और बहुत अच्छी बना रहे हैं, ऐसी नहीं कि आंडू पांडू कुछ भी बना दिया, अच्छी लेवल की बना रहे हैं। या तो चलिए गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले कल के काफी ज्यादा वायरल वीडियो के बारे में। सो गाइस, आपको पता होगा कि संडे को जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जब ये ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रही थी तो आप पीछे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो जानवर चल के जा रहे थे। बट द थिंग इज कि यहाँ पे काफी सारे न्यूज चैनल्स ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि ये लेपर्ड्स हैं, बट असल में ये दोनों थे क्या? तो जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो भाई पता लगा ये कॉमन हाउस कैट्स थी। भाई कमाल है यार, न्यूज चैनल वाले बिल्ली को भी तेंदुआ बना रहे हैं। या तो चलिए गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में। सो गाइस, आप सबको पता है कि आमिर माजिद अपनी लेह लद्दाख राइड से जम्मू वापस आ चुके हैं। एंड अब उन्होंने अनाउंस कर दिया अपनी नेक्स्ट राइड जो की है कोलकाता वेस्ट बंगाल की। एंड वहां पे जाने से पहले उन्होंने अपनी सुपर बाइक Z1000R को भी वापस अपनी पुरानी ड्रैगन में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। जैसे कि मैं अपनी पुरानी वाली ड्रैगन की थीम में रैप करवा दिया, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। गाइस वो रेडी हो गया, हमारी बाइक भी रेडी हो गई है, व्हील्स वगैरह सारी चीजें जो है गाइस वो भी है ना चेंज कर दी। अब कितना सेक्सी लग रहा है, पूरी बाइक की ना शेप शक्ल पूरी चेंज कर दी भैया ना, सारी चीजें चेंज कर दी भाई। मैं भी डिलीवरी ले ले रात का, भैया ने बोला रात तक जो गाड़ी है वो रेडी हो जाएगी। भाई मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार ये जल्द से जल्द रेड हो जाए भाई, उसके बाद हम कोलकाता राइड पे निकलेंगे फुल पावर। और आपको याद होगा लद्दाख राइड पे आमिर माजिद के साथ उनके फ्रेंड यासिर गए थे। एंड आमिर माजिद के कल वाले ब्लॉग में उन्होंने किसी को ट्रोल करा, मैं आपको पहले वो क्लिप दिखा देता हूँ। हमारे भाई भाई गाड़ी आ गई थी आगे 11 साले। गाइस यहाँ पे हमारे साथ यासिर आ चुका है। यासिर, लद्दाख ट्रिप के बाद आप गायब भी हो गए थे। क्या करूं, लोगों ने भड़का दिया मुझे। ये दिल वाली बात बोल देता है यार, वो होते ना कुछ बंदे साथ होते हैं फिर उनको लोग भड़का देते हैं फिर वो भाग जाते हैं साले। यासिर दो दिन ही लोगों ने मेरे को भड़का दिया था, मैं खज्जल हो गया, पैदल चल रहा था फिर मैं वापस आ गया। तो यहाँ पे आमिर माजिद ने किसको ट्रोल करा है मेरे को इतना खास नॉलेज नहीं है। यार इससे मेरे को एक चीज याद आ रही है, जब भी आमिर माजिद के साथ कोई सीन होता है ना तो भाई मेरे को तो ऑब्वियसली बहुत सारे कॉल आते हैं कि ऐसे ऐसे बोलना या ऐसे ऐसे बोलना। और आप बिलीव नहीं करोगे यार, आमिर माजिद के कोई पुराने वगैरह फ्रेंड मेरे फ्रेंड्स को कॉल करके मेरे को भाई बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे भाई, जिससे भाई ऑब्वियसली मेंटालिटी थोड़ी तो चेंज होती है यार। एंड मैं मानता हूँ कि एक ही बार मैंने न्यूज आमिर माजिद के रिगार्डिंग गलत कवर करी थी, जब उनकी क्रूज वाला सीन हुआ था कोई, जब वो पैसे वगैरह का सीन हुआ था जो कि मीडिया वगैरह पे आया था। बट एनी हाउ, उस सीन के थोड़े दिन बाद ही मेरी आमिर माजिद से बात हुई थी, जहां पे मेरे को फिर मेरे को जाके रियल स्टोरी पता लगी। ओके सो गाइस, बढ़ते हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि जानू स्टंट्स से रिलेटेड होने वाली है। सो गाइस, आप सबको पता है कि जानू स्टंट्स ने जब आमिर माजिद से S1000R ली थी तो कितनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। एंड मेन कॉन्ट्रोवर्सी इसी चीज पे हुई थी कि जानू स्टंट्स ने अपनी ऑडियंस से झूठ बोला था कि उनकी मदर उनके लिए गिफ्ट ला रहे हैं। एंड बाद में सबको पता लगा था कि वो बाइक आमिर माजिद की S1000R थी। तो थोड़े दिन पहले अरमान राइडर की साइड से एक वीडियो आउट हुआ था जहां पे उन्होंने जानू स्टंट्स को ट्रोल करा था कि वो तो अपनी ऑडियंस से झूठ बोलते हैं वगैरह वगैरह। मैं आपको पहले क्लिप दिखा देता हूं। बाइक लेके ना रैप वगैरह चेंज करवा के बोलते हैं भाई हमने मम्मी का गिफ्ट था, इसका गिफ्ट था, ऐसा गिफ्ट था, ठीक है ना। अपना वो वाला सीन नहीं है, अपना सीन ये है कि भाई जो रियल है, अगर किसी से तुम बाइक ले रहे हो तो भाई सीधा बोलेंगे भाई फलाने बंदे से बाइक ले रहे हैं, ठीक है ना।
बड़ा छोटा नहीं हो जाता इसमें इंसान के भाई बाहर के बोलने से कुछ ज्यादा पैसे लगेंगे। तो इस पे व्लॉग्स बाय सुमित की साइड से आज एक वीडियो आउट हुआ जहाँ पे उन्होंने अरमान राइडर को काउंटर रिप्लाई देते हुए कुछ ऐसी चीजें बोली है। तो गाइस आजकल एक बंदा ये बोल रहा है भाई कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई कहते हैं कि मुझे मम्मा ने बाइक गिफ्ट किया है, ठीक है ना, तो बाद में कहते हैं भाई उसने बाइक लिया हमारे गुरु से। तो भाई यार मुझे पहले एक चीज बता, क्या तेरे गुरु ने फ्री बाइक दी है? भाई तेरे गुरु ने फ्री बाइक दी है? अबे इतना दिमाग तो लगा ले भाई कि मम्मा ने पैसे दिए होंगे गिफ्ट के लिए, तभी तो अगले ने भाई बाइक ली है ना। अबे मैं तो सोचता था कि भाई गधे में थोड़ा दिमाग होता है, भाई तूने तो ये साबित कर दिया कि गधे में थोड़ा क्या दिमाग ही नहीं होता, तू वो वाला गधा। व्लॉग में सिर्फ तू भाई गुरु गुरु गुरु, ओ यार छोड़ दे गुरु को भाई, गुरु से ऊपर भी निकल, गुरु से थोड़ा ऊपर भी निकल जा। नाम राइडर रखने से राइडर नहीं बन जाते, बाइक तुमसे 80 के ऊपर नहीं चलती, स्टंट तुम्हें आते नहीं और तुम बनते फिरते हो भाई राइडर, क्या यार। या तो चलिए गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले पूरव झा के बारे में। सो गाइस पूरव झा ने एक फ्लाइट टिकट बुक करवाई थी एयर एशिया एक्स से, एंड भाई वो फ्लाइट हो जाती है डिले, जिसके बाद में पूरव झा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उस कंपनी को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में टैग करते हुए एक स्टोरी अपलोड करते हैं, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। भाई जिंदगी में ना कोई सी भी फ्लाइट चढ़ जाओ, मतलब कोई ग्रामीण सेवा भी अगर कल को नई फ्लाइट बनी है तो चढ़ जाओ, लेकिन ये एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट, मतलब बिल्कुल इन पे भरोसा करो ही मत, करो ही मत, मत चढ़ो भाई, एक नंबर के वाहियात एयरलाइंस है ये, मत चढ़ो, मत ही चढ़ना, ये तुम्हारे टाइम की माँ बहन करेंगे और ना तुम्हें अच्छी सर्विस देंगे। क्योंकि मेरा, मैंने लास्ट टाइम भी कुछ नहीं बोला, एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ मेरा हमेशा से, मतलब दूसरी बार चढ़ा, एक तो मेरे को पता नहीं एयर इंडिया सुना था मैंने, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस कहाँ से आ गई, और जो आई सो आई, और मतलब इतनी बेकार एयरलाइन, मतलब लास्ट टाइम भी इन्होंने मेरा बैग खो दिया, 3 महीने हो चुके मुझे नहीं मिला, मुझे 3 महीने बाद जब मैंने इंस्टाग्राम पे पर्सनली इनको कनेक्ट किया तब जाके मेरे को, मतलब इन्होंने कहा कि हाँ आपका बैग दिल्ली एयरपोर्ट पे, अब वहाँ से आप ले सकते हो। और पर्सनली बताऊँ मुझे ना ये रोना धोना नहीं पसंद, मैं स्टोरीज डाल के ना कभी ये कभी रोना धोना करता ही नहीं किसी को टैग करके या किसी को करके, लेकिन ये तुम डिजर्व करते हो भाई ये चीज़, तुम बहुत ही वाहियात एयरलाइन हो, ठीक है। सो गाइज ये थी आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो मेरा चैनल सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाना, मिलते हैं कोई नई वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गाइज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़े दिन में फेस कैम वीडियोस के साथ आऊँ, एंड साथ में भाई एक सरप्राइज भी है भाई, रोस्ट वीडियोज आने वाली है बहुत सारी।